हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। आज की हमारी रेसिपी है इंस्टेंट मलाई रोल। मलाई रोल बनाकर तैयार करेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस ये मिठाई आपको काफ़ी पसंद आएगी। इसके लिए हमें कोई स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है, बस घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले एक पैन में लेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, फिर इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप मिल्क। तो ये मैंने 1/4 कप दूध डाल दिया इसके अंदर। फिर इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। ये मैंने फीका वाला मिल्क पाउडर लिया है। अगर आप एवरीडे वाला मीठा मिल्क पाउडर लेते हैं तो शुगर की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध और 1 बड़ा चम्मच घी। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास केसर है तो आप यहाँ पर डालें, और अगर आपके पास केसर ना हो तो आप यहाँ पर केसर वाले दूध को स्किप कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, इसे हम ठंडे दूध में ही मिक्स करेंगे। तो जब भी हम दूध के अंदर मिल्क पाउडर मिलाते हैं तो उसे हमेशा हमें ठंडे दूध में मिलाना चाहिए। अगर हम इसे गर्म दूध में मिलाएंगे तो इसके अंदर लम्प्स बढ़ जाते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। 5 मिनट में हमारा मावा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप कोई और मिठाई भी बनाना चाहते हैं और आपके पास मावा नहीं है तो उसे आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप फटाफट से घर पर ही मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं। 3 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तली में लग सकता है। 1 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे आधे मिनट के लिए चलाते रहेंगे। अभी हम मलाई रोल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा मावा नहीं चाहिए, तो इसे हम ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी को हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो जब हम इसको ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे, तो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा होने वाला है, तो इसलिए आप इसे बहुत ज़्यादा थिक ना करें। तो ये हमारा मावा बनके तैयार है। अब हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी के लिए हमें चाहिए 2 ब्रेड स्लाइसेस। ये मैंने नॉर्मल वाली ब्रेड ली है जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब कोशिश करें जो व्हाइट वाली ब्रेड है वही लें आप। फिर हम इसके कॉर्नर्स को काट के अलग कर लेंगे। फिर इसे रफली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे 1/2 लीटर दूध, फिर इसमें डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, फिर इसे एक बिस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप मिल्क पाउडर को मिल्क में मिलाएं तो जो दूध है वो ठंडा होना चाहिए। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है तो इसको एक विस्कर से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास विस्कर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली इसे चम्मच से मिला लें। फिर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम पर रखना है। फिर हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच चीनी। पांच मिनट तक इसे गाढ़ा कर लेंगे। पांच मिनट के बाद इसमें डाल देंगे ये ब्रेड क्रम्स जो हमने ब्रेड को पीस के रखा था, वो ऐड कर देंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक और चलाएंगे। तो 5 से 7 मिनट में जो रबड़ी है वो बनके तैयार हो जाएगी। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिला लेंगे।
यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडे होने के बाद ये रबड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हमें चाहिए 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस। फिर हम इसके कॉर्नर्स को कट करके अलग कर लेंगे। इसके किनारों को निकाल देते हैं। अब हम इन ब्रेड को इस तरीके से रोल करते हुए फ्लैट कर लेंगे। तो सभी ब्रेड स्लाइसेस को इस तरीके से हम फ्लैट कर लेंगे। इसे फ्लैट करने के बाद आप चाहें तो इसको एक बार दूध में डिप कर सकते हैं, उससे जो रोल है वो ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए, जो रबड़ी है वो भी ठंडी हो गई है और हमारा मावा भी तैयार है। तो चलिए अब हम अपने रोल को तैयार करते हैं। एक प्लेट ले लेंगे, फिर इस पे ये ब्रेड रख देंगे। आप चाहे तो, अगर आप इसको दूध में डिप नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच के लगभग इसके ऊपर दूध डाल दें और उसके बाद जो मावा है उसको स्प्रेड कर दें। यहाँ पर आप मावा की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इसी तरीके से पतला होना चाहिए। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो यहाँ पर आपको इसे ब्रेड पर लगाने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर आपको लगता है कि जो मावा है वो गाढ़ा हो गया है, इसके ऊपर स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो आप उसके अंदर 1 से 2 छोटे चम्मच दूध ऐड कर लें, उसे मिक्स कर लें और उसके बाद उस मावा को इसके ऊपर लगा दें। तो ये देखिए, हमने इसे रोल कर लिया है। तो कितना डिलीशियस दिख रहा है ये। इसी तरीके से हम अपने सारे रोल्स को तैयार कर लेंगे। ये हमारे सभी रोल्स बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो एक प्लेट में थोड़ी सी रबड़ी डाल देंगे और रोल्स को थोड़ा सा और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं इसके ऊपर ये चांदी का अर्क लगा रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा सुंदर दिखे। अगर आपके पास है तो आप इसे लगा सकते हैं, और अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बिना भी ये रोल काफ़ी टेस्टी लगेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कलर लगा देंगे। तो फॉक से इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फूड कलर लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको गार्निश करेंगे। इस पर ये थोड़े से पिस्ता ऐड कर दिए मैंने। अगर आपके पास चांदी का अर्क ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सिंपली सर्व कर सकते हैं। तो रोल्स को रख देंगे, फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा कलर लगा लें, फूड कलर अगर आपके पास है तो, और अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास ना हो तो उसके बिना भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, परफेक्ट हमारा मलाई रोल बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप भी एक बार इस मिठाई को ज़रूर से बना के ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।